नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मेवे का फलाहारी हलवा, और इसके लिए हमने सिर्फ 3 मेवों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने मखाना लिया है, काजू और बादाम। तो सबसे पहले हम मखाना ले लेते हैं और इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पाउडर बना लेते हैं। मखानों को हमने बहुत बारीक नहीं पाउडर बनाया है, थोड़ा सा दरदरा रखा है। और इसी तरह अब हम काजू और बादाम को भी पाउडर बना लेते हैं। इसे भी हम बहुत बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। ये आप देख सकते हैं थोड़ा मोटा पीसा है हमने। और अब हम कढ़ाई गर्म करेंगे, इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे और इसमें डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स के पाउडर। मखाने और काजू बादाम के पाउडर डाल देते हैं और आँच को हम धीमा ही रखेंगे, और धीमी आंच पे हमें इसे गोल्डन होने तक चलाते रहना है। इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, लगातार चलाते रहना है। और ये जब गोल्डन हो जाता है तब हम इसमें डालेंगे चीनी। और अब हम इसमें 2 ग्लास दूध ऐड करेंगे। आंच को हम धीमे ही रखते हैं और इसे लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। गाढ़ा होने के बाद ये हलवा रेडी हो जाएगा। हलवा रेडी हो चुका है तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे बाउल में निकाल लेते हैं। फलाहारी हलवा रेडी हो चुका है। इसे आप ठंडा या गर्म किसी भी तरीके से खा सकते हैं। और इसकी गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ पे कटे हुए बादाम का इस्तेमाल किया है। तो फलाहारी हलवा तैयार हो चुका है, तो इस नवरात्रि में आप इसे ज़रूर ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।